कमेंट सेक्शन में डॉक्टर साहिबा ने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा है, डॉक्टर इकरा खुर्शीद साहिबा, कि हम जो है वो बुक से तैयारी करें या हम नोट्स से गो थ्रू करें या हम कोई एमसीक्यू बुक जो है वो उसको रिव्यू करें। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज से 3 से 4 साल पहले 2 बुक्स थी, ब्रेन टीजर एंड वेट स्कैन, उनसे पेपर आता था, ठीक है। मैंने भी स्टडी की थी और स्टूडेंट आप भी जो है वो उनको जो है वो गाइडलाइन मार रहे हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल रिसेंटली 2-3 सालों से उन बुक्स से जो है वो पेपर नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये आपके लिए रिस्क है कि अगर आप उनको गो थ्रू करते हो तो आपका कंटेंट्स जो है वो सही तरह जो है वो कवर नहीं हो सके। लेकिन दूसरी तरफ मसला ये है कि हमें DVM किए हुए काफ़ी अर्सा गुजर गया है, हमारे पास मटेरियल नहीं है या हमारे पास टाइम नहीं है। कुछ लोग जो है वो प्राइवेट जॉब्स कर रहे हैं, कुछ लोगों की शादी हो गई है, उनके साथ बच्चे हैं, तो इन सबको कैरी करना मुश्किल है, तो हम तैयारी कैसे करें। देखें, इसके लिए अगर आप तो शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। आप 2-3 फ्रेंड्स जो हैं वो मिल जाएं, ठीक है, मतलब कोई मेडिसिन के नोट्स बना लें, एक जो है वो सर्जरी के बना लें, अगर आपकी फ्रेंड्स आपके साथ कोऑपरेट करती हैं। नहीं तो ना तैयारी करने से बेहतर यह है कि आपके पास जो बुक है, जो मटेरियल है, आप उसमें से जो है वो रीड करें। इसके अलावा कुछ ओल्ड DVM स्टूडेंट्स ने जो है MCQs की शॉर्ट बुक्स बनाई हैं जो PDF फॉर्म में अवेलेबल हैं, तो आप उनसे भी जो है वो फ़ायदा हासिल कर सकती हैं। इसके साथ साथ जो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि PPSC के पास्ट पेपर जो है वो आप ज़रूर गो थ्रू करें, उससे आपको आइडिया हो जाता है कि पेपर किस तरह का आता है। इस सिलसिले में अगर किसी को वो मटेरियल चाहिए है जो मेरे पास अवेलेबल है, वो मेरे से रابطہ कर सकता है। इंशाल्लाह ताला मेरे से जितनी हेल्प हुई मैं आपकी हेल्प करूँगी।